नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धार्मिक सरोवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने वाले हैं इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब हम शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो सत्ययुग में महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन हुआ, जो बड़ा पराक्रमी एवं धार्मिक था। अपने राज कार्यों के साथ ही वह जप तप आदि धार्मिक क्रियाओं में भी लगा रहता था और हरि की उपासना जरूर करता था। एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद राजा के दरबार में आए और राजा ने अपने सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा की कुशल मंगल पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, जहां यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्य आत्मा पिता श्री का दर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा, महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है, जब आप उससे मिलेंगे तो मेरा एक संदेश उसे ज़रूर दे दीजिएगा। आपके पिताश्री ने कहा कि पिछले जन्मों के किए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा को कहना कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और मैं यमलोक से स्वर्गलोक में जा सकूं। नारद जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि अपने पिताश्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप यह व्रत ज़रूर करें। नारद जी ने राजा को व्रत की सारी विधि बताई। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार ही पूरे नियम से इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के महाप्रसाद के साथ पितरों का तर्पण किया, श्राद्ध किया और व्रत का फल अपने पिताश्री के नाम किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा हरिवाहन गरुड़ जी राजा के पिताश्री को अपनी पीठ पर बिठाकर बैकुंठ में ले गए। राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में अपना राज्य पुत्र को सौंप कर स्वयं ब्रह्मलोक में चले गए। देवर्षि नारद कहते हैं कि ये व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्य फल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है और जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा श्रवण करने, कीर्तन करने, सच्चे भाव से तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने, मंदिर में दीप दान करने से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं। अगर आप सभी को यह व्रत कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।